तू कहाँ थी बेटा? और वो समर तेरे साथ क्या कर रहा था? तू तो जय के साथ पार्टी में गई थी ना? बोल। समर ने फिर कुछ बोला जय के बारे में? तूने मुझे उस वक्त वहां क्यों नहीं बुलाया? मैं तुझे अपने साथ लेकर आती और उस जैक को तो ना सीधा अरेस्ट करवाती। उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे वो समर मिला है ना? बता मुझे कल रात क्या हुआ जया? कुछ नहीं हुआ, मैं बेड पे सोई थी और मैं सो गया। ससु में बेफिक्र रही, जैसे कोई गलती नहीं हुई। हमारे बीच कड़ा कुछ नहीं था। उसके हिसाब से तो खैर रात को जब वो उठती है सुबह तो उसको जो अपनी हालत देखकर लगता है कुछ हुआ है। एंड प्रॉब्लम ये कि जय इतने नशे में थी कि उसको ज़्यादा कुछ याद है नहीं। तो उसके बाद वो वहाँ से घबरा कर घर आती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा वेट ही कर रही होंगी। एंड देन फिर वो मम्मा को बताती है जो कुछ भी है, बट समर कुछ और ही कहते हैं। बट अभी भी कहीं ना कहीं श्योर है नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यार नजरें नहीं मिला पा रही थी, अब शायद आपकी गर्दन वो ऑब्वियसली। अब यार ऐसी पर्सनल बातें हम ऐसी अपनी मम्मा से नहीं करते, तो एक वो भी एक शर्म जो होती है वो थी। उसके अलावा ऑब्वियसली अभी क्योंकि जो स्टेट चल रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ऐसे में कोई भी एक बड़ा कदम उठाना इज़ नॉट करेक्ट। तो मम्मा एक माँ के कंसर्न से वैसे ही कह रही थी, उनको जो भी उनका रिएक्शन आ रहा था एक जेन्युइन मदर वाला रिएक्शन निकल रहा था। पता नहीं अभी वो बोल के चले गए तो अभी उसे भी नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं, सही बोल रहे नहीं बोल रहे। जस्ट बिकॉज जया रो रही थी इसलिए उनने ऐसा बोल दिया। तो अभी वो सब क्लैरिटी आना बाकी है।